अगर सेक्स करते करते अगर आपका कोंडम फट जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है एचआईवी होने वाले नए मरीजों के लिए और पुराने मरीजों के लिए जो कि पॉजिटिव आ चुके हैं। कहने का अर्थ यही है, अगर आप एक कोंडम का इस्तेमाल करते हैं और वो कोंडम फट जाता है सेक्स करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं, मानसिक और शारीरिक, और कई बीमारियों का भी आपको वजूद मिल सकता है अपने शरीर के अंदर। वो कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोंडम फटने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं, ना कि कट लगने से यानी कि ब्लड का ट्रांसफर होना वो ही जरूरी है, कुछ बीमारियां आपके अंदर आना या बिना ट्रांसफर यानी ब्लड होने से, यानी ब्लड आपके पेनिस पे कोई भी कट नहीं लगता है, महिला के पी ऊपर कोई कट नहीं लगता है, फिर भी आपको कुछ रोग हो सकते हैं, ये भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एड्स हो सकता है या नहीं हो सकता है, सिफिलिस, हर्पीज, ऐसे भी रोग होते हैं जो कि कोंडम फटने से हो सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें हम डिटेल में सब कुछ समझाएंगे। और जरूरी है कोंडम का इस्तेमाल आज के समय जरूरी करना चाहिए, और एक अच्छे कोंडम का इस्तेमाल करना चाहिए, लोकल कोंडम ना यूज करें जिससे वो जल्दी फट जाए। ओके, अगर आप कोई नई महिला के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं या कोई प्रोस्टिट्यूट जो कि पैसे लेकर आपसे संबंध बना रहे हैं, तो उससे अगर आप कोंडम यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें एक डबल कोंडम का इस्तेमाल करें। अगर बाई चांस एक कोंडम भी फट जाए तो दूसरा बचा रहे। अब बात करते हैं अगर आपका कोंडम फट जाए सेक्स करते करते तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम आएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको एड्स होने का खतरा हो सकता है। एड्स कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात ये, एड्स इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर उस महिला या अगर आप पुरुष से भी संबंध बना रही हैं तो अगर उसको एड्स है पहली बात और आपको नहीं है तो आपको एड्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं, ठीक है, और आपको है और उनको नहीं तो उनको एड्स होने का खतरा बढ़ जाता है। और वो कैसे, क्योंकि अगर आप कोंडम से फास्ट सेक्स कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है और अचानक कट जाता है, फट जाता है कोंडम और गलती से आपके ऊपर वो कट लग जाता है और अंदर भी वो कट लग जाता है, अगर वो मूवमेंट में आपको पता ना चले उस वक्त एड्स आपके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको कट भी नहीं लगता है, कई बार पता भी नहीं चलता है कट लग रहा है नहीं लग रहा है, कई बार नहीं पता चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें हम बात करेंगे और कौन से रोग हो सकते हैं। हर्पीज भी आपको हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है अगर उस पार्टनर को ये प्रॉब्लम है तो। अगर आप अलग अलग व्यक्ति से, अलग अलग महिलाओं से संबंध बना रहे हैं बिना प्रोटेक्शन के, तो आपको नए नए रोग हो सकते हैं, इसलिए प्रोटेक्शन तो यूज करना है और हो सके तो डबल प्रोटेक्शन का यूज करना है। और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए एचआईवी के इलाज के बारे में या क्या जरूरी, आप एड्स पॉजिटिव आ सकते हो नहीं आ सकते हो, उसके लिए आपको नंबर दिए गए हैं डिस्प्ले पे, उस पर आप आसानी से कॉल करिए और कॉल करके जान सकते हैं क्या आप एड्स पॉजिटिव हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पूरी डॉक्टर की आपको सलाह मिलेगी, उसके लिए आपको छोटी सी फीस का भुगतान करना पड़ता है, वो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक